जो कि आज तक एज़ ए सुन्नत हमारे तमाम तर इमाम हज़रात जो है नमाज से पहले कि अपनी अपनी सफ़े दुरुस्त फरमा लें, वो सरकार ने पहली दफ़ा इस मुकाम पर फरमाया था। आपको उस मस्जिद की ज़ियारत करवाता हूँ और ये इसका कुछ हिस्सा अभी भी कदीम उसी तरह ही मौजूद है। पहले तो ये काफ़ी हद तक था लेकिन अभी पीछे डिमोलिश हो गया, लेकिन अब इसको सेव किया गया तो इसकी ज़ियारत आपको मैं करवा रहा हूँ, आप इसकी ज़ियारत से सरफराज हों। वो सामने जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सलातो वसलाम अलैक या सैयदी या रसूलल्लाह वअलैका वसहाबिक या हबीबल्लाह। मैं इस वक्त ओहद शरीफ के मुकाम पे जबल ओहद के पास मौजूद हूँ, यहाँ पे एक ज़ियारत आपके लिए पेश कर रहा हूँ। ये मुकाम जो है ये मस्जिद सफा है, यहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा बैठ के नमाज अदा की। दूसरे नंबर पे आप सरकार ने नमाज से कबल चंद अल्फाज जो हैं वो बयान फरमाए, जो कि आज तक एज़ ए सुन्नत हमारे तमाम तर इमाम हज़रात जो हैं नमाज से पहले कि अपनी अपनी सफ़े दुरुस्त फरमा लें, वो सरकार ने पहली दफ़ा इस मुकाम पर फरमाया था। आपको उस मस्जिद की ज़ियारत करवाता हूँ और ये इसका कुछ हिस्सा अभी भी कदीम उसी तरह ही मौजूद है। पहले तो ये काफ़ी हद तक था लेकिन अभी पीछे डिमोलिश हो गया, लेकिन अब इसको सेव किया गया तो इसकी ज़ियारत आपको मैं करवा रहा हूँ, आप इसकी ज़ियारत से सरफराज हों। वो सामने जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये हिस्सा सामने, ये मेहराब शरीफ का हिस्सा है, ये जिसमें आपको ये एक होल सा नज़र आ रहा है, ये इस मस्जिद के मेहराब शरीफ का हिस्सा, ये वाला, इसकी आप ज़ियारत फरमाएं। यहाँ से इधर आपको वाजिया ये सामने मस्जिद सफा, हजूर नबी पाक सरकार दो आलम सल्लम की यहाँ पे आपने पहली दफा बैठ के नमाज अदा की है, और ये जंगे ओहद के बाद सरकार यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, आप इसकी ज़ियारत फरमाएं। ये बिल्कुल सामने ये वो मुकाम है, और पीछे ये जबले ओहद, जिसको सरकार से मोहब्बत है और सरकार जिससे मोहब्बत फरमाते हैं वो ये जबले ओहद पीछे मौजूद है, और ये वो मुकाम है जिस पे अहले ईमान जब भी आते हैं उनका ईमान ताज़ा होता है। आप भी वक्त निकालें और तशरीफ़ लाएं, और दुआ है मेरी कि अल्लाह करीम आपको भी ये सआदत नसीब फरमाए। ये इसका वैसे अक्स ये पीछे भी ये मौजूद है, आप इसको तस्वीरी शक्ल में भी देख सकते हैं, ये इसकी बैरूनी दीवारें हैं और ये इसके मेराब वाला हिस्सा जो मैंने आपको पहले वहाँ पे दिखाया है। सैयद हसनैन और बुखारी को जबले ओहद और मुकाम मस्जिद सफा, इससे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।